हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ डोसा, क्योंकि मेरा मन था। मुझे बाजार का डोसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे हाथ का डोसा ज़्यादा बेहतर लगता है, और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को भी मेरे हाथ का डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा सांभर रेडी है, और मैं मसूर के दाल का डोसा बनाती हूँ। मसूर का दाल है इसमें और चावल। तो देखिए, ये बैटर है, कितनी प्यारी खमीरी इसमें उठी हुई है, ये है। और अभी मैंने सिर्फ चने की दाल और मूंगफली पीसी है। नारियल का चटनी नहीं बना रही हूँ, खा खा के बोर हो चुके थे, सोचे कुछ अलग टेस्ट हो। तो ये देखिए, और चटनी अभी बची हुई है, अभी उसका प्रोसेस अभी बचा हुआ है। और ये है सबसे टेस्टी चीज़ सांभर। अब जब मेरा पूरा तैयार हो जाएगा डिश, तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो मैंने अब डोसा तैयार करना शुरू कर दिया है। मैं डोसे को दोनों तरफ से पकाती हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरा डोसा एकदम पतला सा तो होता नहीं है, इसलिए इसको दोनों तरफ से पकाती हूँ मैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। अब मैं इसको इसमें अब मटेरियल्स जा रही हूँ डालने। तो पहले मैं डालूंगी ये जो मैंने आलू प्रिपेयर किया हुआ है वो, थोड़ा सा ये मेरे हस्बैंड को ज़्यादा हैवी नहीं पसंद है कि उसमें हैवी एकदम आलू डला हो, ऐसा नहीं है। ये हो गया, इसमें थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा कटे हुए प्याज, और 3-4 क्यूब्स पनीर। अब मैं डोसे को रखूंगी प्लेट में। अब सांभर निकालूं प्लेट में। ये देखिए जी, चटनी मैंने छौंका लगा दिया है इसमें। ये देखिए तैयार है मेरे हबी का प्यारा सा थाली। अब मैं जा रही हूँ अपने हबी को देने। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। मैं हर रोज कुछ न कुछ वीडियो जरूर डालती हूँ। थैंक यू एवरीवन।